आजकल है दिल बता, दस्तकें देते हैं दस्तकें क्यों अजनबी से पल है दिल बता। कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें, इसे मेरे प्यार का तोहफा समझ ले। सुबह की आंख मेरी कॉफी के बिना नहीं खुलती तो क्यों? रॉबिन, रॉबिन, क्या है? तुम्हें नींद नहीं आती क्या? सुबह सुबह आ जाती हो? नहीं आती मुझे, जब से क्या रहने दो, तुम्हें बता दूंगी तो तुम्हारी नींद भी उड़ जाएगी। और वो क्या है ना, तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुश्किल में फंसो, क्योंकि तुम मुश्किल से निकल नहीं पाओगी। समटाइम्स इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। चीजें तुम्हारी डरावनी आंखें ना, इसे देख के तो वैसे किसी को नींद नहीं आएगी। सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी बन के रहो, मुझसे इस तरीके से बात करने की कोई जरूरत नहीं। और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ ये सब कुछ बोलने की हिम्मत तुम्हें कैसे है। यही सोच रही हूँ ना कि तुम्हारी बॉस की मैं सौतन हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, सौतन मैं उसकी नहीं, वो मेरी है, उसने मेरी जगह ली है। अब सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, हटो यहां से। रॉबिन, रॉबिन, तुम्हारी ये बदतमीजी बार बार इसलिए बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि मेरा टारगेट तुम नहीं, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। लकी हो तुम, वरना तुम्हारे इस गोरे रंग पर खून का बहता रंग देखने में मुझे बहुत मजा आता। पर अभी मुझे प्रज्ञा पे फोकस करना है जो बार बार मेरे रास्ते में आ जाती है, ढाल बनकर उस अभी के सामने खड़ी हो जाती है। और अब मुझे पहले इस ढाल को ही तोड़ना होगा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि प्रज्ञा इस घर से जाए और अभी इस दुनिया से। सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं के फिर ना कभी पाऊं। हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे सनम रे,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रज्ञा ने मुझे किस किया? ये तो बिल्कुल मेरी फुग्गी जैसी लग रही, उतनी ही प्यारी, उतनी ही मासूम। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी फुग्गी मेरे सामने ही है। अगर ये फुग्गी है तो मैं इसे किस कर सकता हूं, और इसे किस करके अगर मुझे वैसा ही फील हुआ जैसा फुग्गी के साथ होता था तो ये तो पक्का फुग्गी ही है। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना हो इन्ना सोना हो इन्ना सोना इन्ना सोना। ये जब
पानी पानी पीजो। बहुत दर्द हो रहा है, रुकिए आप थोड़ा और पानी पीजिए। यस आप पानी पीजिए। यार अब तो यकीन हो गया कि ये पक्का फुकी है, वही अपनापन, वही कंसर्न, वही केयरिंग नेचर। प्रज्ञा की ये सारी क्वालिटीज, ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकती ना? मेरा दिल जो कह रहा है, जो मानना चाहता है ना, वही सच है, ना कि वो जो दिमाग कह रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट तो दिख रहा है, पर मुझे सर्टिफिकेट लेना है, कंफर्म करना है। क्या कर रहे थे? मुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे। देखिए आप कुछ बोलिए मत। आपके दिमाग में जो चल रहा होता है ना, मुझे पहले ही पता चल जाता। मैंने क्या किया? पानी आपकी वजह से गिरा है। तुमने चांस उसके मुझ पर पानी गिराया। पहले तुमने मुझे धमकी दी, उसके बाद पानी का शक उठा, उसके बाद मुझे पानी गिराया। मैंने धमकी नहीं दी, धमकी दे रही थी तब। रुको अंदर आ जाएंगे, आप जल्दी कुछ सोचिए। अरे तुम्हारी भी तो बहन है, तुम भी कुछ सोच सकती हो। ऐसे ना पैनिक सिचुएशन में मेरा दिमाग नहीं चलता। दिमाग होगा तब चलेगा ना। आपके पास है ना, आप चलाइए ना। इसका फिक्र करने का ही नहीं, लड़ने का तरीका भी प्रज्ञा जैसा ही है। इसका मतलब मेरा दिल भटक नहीं रहा, सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या सोच रहे हैं? कोई और तरीका ना, मुझे गिराने का कोई और? नहीं, एक्चुअली मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, क्योंकि कॉन्सर्ट आने वाले हैं ना, तो प्रोड्यूसर्स कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ मीटिंग है। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या पहनूं, सो कंफ्यूज्ड। तुम कोई कपड़ा चूज करने में मेरी मदद करो। देखते हो ये डंबल यहाँ क्या कर रहे? या आपने जानबूझ के रखा है ना ये? मुझे समझ में नहीं आता आप करना क्या चाहते हैं। पहले मुझे गिराना चाहते हैं, फिर बचाना चाहते हैं ताकि आप हीरो बन जाए। मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। Thank you.
ऐसा कैसे हो सकता है? वही टच, वही फीलिंग, सब मेरी प्रज्ञा जैसी। तो मतलब ये मेरी फुकी ही है। आप क्या सॉरी बोलना है आपको? सॉरी तो आप क्यों बोलेंगे ना, वो तो आपके शान के खिलाफ है। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए कि मैं क्यों गिर गई, मैं नीचे देखकर क्यों नहीं चल रही थी। लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, मैं पहले आपके लिए कपड़े ढूंढ देती हूँ, आप मुझे थैंक यू बोल दीजिएगा, ठीक है? मैं पता है आज तो ना मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। आपकी कौन सी मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती? नो नो, आई एम सीरियस, ये मीटिंग ना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये कॉन्सर्ट हो जाता है ना, और अगर इसमें मैं अच्छी तरह परफॉर्म करता तो नेशनल का इंटरनेशनल स्टार बन जाऊंगा और रॉकेट पे बैठकर ऊपर निकल जाऊंगा और उधर ही रहूंगा टॉप पोजीशन पर। फिर नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूं यार। मतलब मैं नहीं चाहता कि इस मीटिंग में कोई भी गड़बड़ हो, और इसलिए ना तुम मेरे लिए काम करो। क्या? मेरे लिए मेरा जो लकी जैकेट है मेरे लिए ले आओ। अभी ले। ये लीजिए आपका लकी जैकेट, इसमें आपकी हर मीटिंग सक्सेसफुल होती है ना। That's correct. तो मेरा लकी जैकेट है ही, लेकिन इस जैकेट से लकी तो तुम हो। सैड पार्ट इसकी तुम्हें पहन नहीं सकते, लेकिन गले तो लगा सकता हूँ ना। अब देर नहीं हो रही मीटिंग के लिए? इसमें टाइम ही कितना लगता है। ये पहन लीजिए। ये नहीं चाहिए। क्यों? मेरा मतलब अब मुझे ये नहीं चाहिए। कौन सा जैकेट चाहिए बता दीजिए, मैं ले आऊंगी। वो क्या है ना, ये मीटिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी मीटिंग के ऊपर कुछ परफॉर्मेंसेस होंगे, कुछ कॉन्सर्ट्स होंगे, तो मैं इस मीटिंग के लिए अपना सबसे फेवरेट जैकेट पहनना चाहता हूँ। पता नहीं कहाँ। मुझे पता आपको कौन सी जैकेट चाहिए, आप रुकिए मैं लाती हूँ। इट्स अ फाइनल टेस्ट, अगर ये प्रज्ञा हुई ना तो इसे पक्का पता होगा कि मैं किस लकी जैकेट की बात कर रहा हूँ। Come on, Fuki, you can do it. ढूंढ लो मेरी लकी जैकेट और कर दो प्रूफ कि तुम ही प्रज्ञा हो। ये इतना टाइम क्यों लगा रही? इसे जैकेट मिल नहीं रही या इसे पता ही नहीं कि वो जैकेट कौन सी है? मतलब ये मेरी प्रज्ञा नहीं है। देखो, अब तक तुमने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया, इस सवाल का जवाब भी दे दो मेरी लकी जैकेट और बन जाओ मेरी प्रज्ञा। ये लीजिए, ये जैकेट आपके साथ रहेगा तो आपका लक आपके साथ रहेगा, आपकी जो ये मीटिंग है ना वो जरूर सक्सेसफुल रहेगी। और अब ये मत बोलिएगा कि मैं भी आपके साथ मीटिंग में चलूं, ताकि आपका लेडी लक भी आपके साथ रहे। मुझे घर पे बहुत काम। नहीं, एक्चुअली मैं सिर्फ मुन्नी बेटा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ, मुझे दादी बुला। अरे नहीं दादी, दादी रुक। अरे दिशा, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? मैं मदद कर दूं? देखो ना दी, सुबह नहाने के बाद नारियल तेल लगाया था, अब कुछ ही घंटों बाद त्वचा फिर से खिंची खिंची और रूखी लग रही है, इसलिए नारियल तेल लगाने जा रही थी। ये देखो तुम ना, ये नहीं। क्या हो गया दी? मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, लगाने दीजिए ना। स्किन ड्राई है इसीलिए कह रही हूँ, ये नहीं। एक मिनट, ये लगाओ। वैसलीन इंटेंसिव केयर, जिसमें है वैसलीन जेली जो दे नारियल तेल के मुकाबले 6 गुना ज्यादा समय तक मॉइस्चराइजेशन। लो। वाओ दी, अब से स्वस्थ दमकती त्वचा के लिए नो नारियल तेल, ओनली वैसलीन इंटेंसिव केयर। अपना ख्याल रखो, मैं आती हूँ। थैंक यू। मुझे पता था ये तुम ही हो, तुम्हें कोई किसी भी नाम से बुलाए पर तुम मेरी फुकिए हो। तुम हर इम्तिहान में पास हो गई, तुम्हारा प्यार जीत गया और तुमसे मेरी नफरत हार गई। तुम्हें मुन्नी समझ के तुम्हें कितना कुछ सुनाया, अपने से दूर रखा, तुम्हारा इंतजार करता रहता था, पर और जब तुम वापस आई
तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। तुम कहती रही कि तुम मेरी फुकी हो, तुम प्रज्ञा, और मैंने तुम्हें, मैं लोगों की सुनता और अपने दिल की सुनी ही नहीं। तुम ही मेरी फुकी हो, मेरी प्रज्ञा, सिर्फ मेरी।